So now the second part of question number 21. Okay. और यहाँ पे हमारे पास जो function दिया गया है वो 2 minus under root x है और हमने करना क्या है find by definition the derivative with respect to x of the following functions. तो चलें अपना solution start करते हैं. तो solution में आपने करना क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे इस तरह से कि as जो भी आपके पास function दिया गया है आप उसको f of x का नाम दें, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 minus under root x. ठीक है, फिर आप क्या करें, पुट x is equal to a, x की जगह आप a पुट करें तो आपके पास क्या हो जाएगा f of a is equal to 2 minus square root of a. जस्ट क्या हुआ आपके पास x की जगह a आ गया. ओके अच्छा, फिर आप क्या लिखेंगे, आप यहां पे लिखेंगे कि बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव आपके पास फॉर्मूला क्या है, हम इसको इस्तेमाल कर चुके हैं. द फॉर्मूला इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. और यहां पे हमने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाली हुई है. सो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, बीच में माइनस तो ब्रैकेट इस्तेमाल करना होगा. एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए और अपॉन में आपके पास मौजूद है एक्स माइनस ए. फिर आपने करना क्या, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है. तो यहां पे होगा क्या, माइनस साइन से ब्रैकेट को आप खोल दें या मल्टीप्लाई करा दें, ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज इट इज मौजूद और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 और प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ ए और अपॉन में आपके पास मौजूद है एक्स माइनस ए. और यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आपके पास क्या बच रहा है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. अब हमने इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों में माइनस साइन को कॉमन ले सकता हूं और होगा क्या, यहां पे माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा और प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए हो जाएगा और अपॉन में आपके पास मौजूद है एक्स माइनस ए. फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो माइनस एज इट इज मौजूद और ऊपर में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ ए एज इट इज मौजूद है, नीचे में जो एक्स माइनस ए है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ ए और ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए. यानी इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपने करा क्या कि लेट से ये लिखा हुआ है एक्स रेस टू द पावर 1 ए रेस टू द पावर 1, इसको आपने कुछ इस तरह से बंद कर दिया. सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक्स रेस टू द पावर हाफ का स्क्वायर माइनस ए रेस टू द पावर हाफ का स्क्वायर. तो आपके पास ये क्या कंडीशन बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो जब आप इसको फॉर्मूले में एक्सपेंड करेंगे तो एक दफा माइनस में लिखेंगे, ये रहा माइनस में, स्क्वायर रूट का मतलब होता है या पावर हाफ, और एक दफा आप इसको प्लस में लिख देंगे, इससे होगा क्या कि आपसे ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, यहां पे आपके पास बचेगा माइनस का 1 और अपॉन में है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए. ओके अच्छा, अब आप यहां पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a और राइट हैंड साइड पे आपके पास, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या चल रहा है, f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a. अब आप लिमिट अप्लाई करें तो यहां पे आप लिखेंगे कि टेकिंग लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन एक्स माइनस ए और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए. तो यहां पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ये पूरी चीज बाय डेफिनेशन किसकी इक्वल होगी, एफ डैश ऑफ ए. सो यहां पे आप लिख देंगे एफ डैश ऑफ ए वेयर डैश रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव्स. और यहां पे राइट हैंड साइड पे तो आपने क्या करना है, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू a तो x की जगह a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 1 एज इट इज मौजूद स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a.
थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए और अंडर रूट ए, ये मिलके टू अंडर रूट ए हो जाएगा। फिर आप दोबारा से करें क्या कि ए की जगह एक्स पुट कर लें, तो पुट ए इज इक्वल टू एक्स, तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स एंड दिस इज अवर आंसर। तो इस तरीके से बाय यूजिंग डेफिनेशन आपने इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया है और जो जिसका आंसर क्या आया है माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। ओके, सो इस मेथड में आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि ये जो हम ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डेफिनेशन को इस्तेमाल जो कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा मेन पर्पस होता है वो पर्पस ये होता है कि अगर आप गौर करें यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे एक्स माइनस ए आ रहा है और कुछ स्टेप्स बाद आपने करना क्या होता है लिमिट अप्लाई करनी है एक्स अप्रोचेस टू ए। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में x माइनस ए मौजूद रह जाए और उस पर जब आप लिमिट अप्लाई करें तो x की जगह जब आप a पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा a माइनस ए विच इज जीरो और वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस में हम कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से हम इस फैक्टर को जो है वो खत्म कर दें। ओके, और यहाँ पे भी आपने देखा कि हमने इस माइनस वाले फैक्टर को खत्म करा थ्रू सिंप्लीफिकेशन, इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने यही काम किया है और जो इसके आगे के क्वेश्चंस हम अभी करने वाले हैं और उसके अंदर भी हम यही करेंगे कि किसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन के थ्रू ये वाला फैक्टर x माइनस ए इसको हम खत्म कर दें ताकि लिमिट हम अप्लाई कर सकें। सो चलें अब हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं।